हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर आशीष। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के क्रोनोलॉजी के बारे में, मतलब इस कोरोना वायरस की इलनेस की शुरुआत कहाँ से हुई, ये कोरोना वायरस क्या है और आज जो इंडिया में लॉकडाउन की कंडीशन है यहाँ तक हम कैसे पहुँचे। कोरोना वायरस के सिम्टम्स क्या है, उसकी ट्रीटमेंट क्या है, ये सब तो अभी आपको पता ही है क्योंकि मीडिया और कॉलर ट्यून इन सब में अभी इसी के बारे में जानकारी दे रहे हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि इसकी शुरुआत होकर आज की ये कंडीशन कहाँ तक आई। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप इस मेरे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल के अभी 2,40,000 मिनट्स तो हो चुके हैं लेकिन 1,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मैंने मेरे किसी वीडियो में सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट की नहीं है, बस इस वीडियो में कर रहा हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए क्रोनोलॉजी तो क्या हुआ था। पहले December 2019 में चाइना के ह्यूबी प्रोविंस के युहान सिटी में कुछ पेशेंट्स की डेथ रिपोर्ट की गई जो कि सार्स लाइक सिम्टम्स थे। सार्स मतलब सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो कि 2002-2003 में चाइना में जिसका एपिडेमिक आया था। तो ऐसे कुछ डेथ रिपोर्ट्स होने के बाद January 2020 में ऐसा समझ में आया कि यह जो डेथ्स है ये ड्यू टू सार्स लाइक वायरस, जो कि सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, इसके जैसे ही एक वायरस से या फिर मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी वायरस सिंड्रोम जो है इसके जैसे वायरस से हो रही है। MERS जो है यह सऊदी अरेबिया में देखा गया था और ऐसा माना गया था कि यह बैट में से इसका ट्रांसमिशन बैट में से हुआ है ऐसे कुछ, लेकिन यह वायरस इन दोनों वायरस से थोड़ा अलग था। तो इसे नाम दिया गया था नोवेल कोरोना वायरस, यानी मतलब नया कोरोना वायरस। कोरोना एक वायरस की फैमिली है जिसमें कि सब वायरस कोरोना जैसे दिखते हैं और कोरोना जैसे दिखने के कारण उनको कोरोना वायरस बोलते हैं। और कोरोना वायरस के कारण एक बीमारी अभी तक जो समझ में आई वो सार्स थी, दूसरी MERS थी। ठीक है, अब इसमें आपको यह समझना होगा कि वायरस क्या है। तो वायरस यह एक बायोलॉजिकल एजेंट है, मतलब ये कम्प्लीटली नॉन लिविंग भी नहीं है और लिविंग भी नहीं है। यह एक ऐसा माइक्रो बायोलॉजिकल एजेंट है, माइक्रो एजेंट है, जो कि अपने आप या इंडिपेंडेंटली रिप्रोड्यूस या मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। मतलब अगर एनवायरनमेंट पे सिर्फ एक वायरस है तो उसके हज़ारों वायरस नहीं तैयार हो सकते। यह तभी मल्टीप्लाई हो सकता है जब यह किसी सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग सेल में एंटर करे, जैसे कि प्लांट्स या एनिमल में। तो इसलिए यह कम्प्लीटली, और यह इसका अस्तित्व दुनिया में आज का नहीं है, यहाँ अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट होने के पहले से यहाँ पर इसका अस्तित्व है। और कुछ कुछ वायरसेस ऐसे भी हैं कि जिनको ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की भी ज़रूरत नहीं रहती है। अब सार्स जो वायरसेस है, वायरसेस के कुछ एग्जांपल है जैसे सार्स, मीर्स, MERS जो मैंने बताया था, स्वाइन फ्लू डिसीज़ H1N1 नाम के एक वायरस से होता है, जो एड्स है बीमारी वो HIV वायरस से होती है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशेंसी सिंड्रोम वायरस है, हेपेटाइटिस बी जो बीमारी है हेपेटाइटिस बी वायरस से होती है, चिकन पॉक्स ये बीमारी है वायरसिला वायरस से होती है। तो इसमें से देखिए कुछ वायरस के लिए एंटीवायरल एजेंट अवेलेबल है, जैसे कि स्वाइन फ्लू के लिए H1N1 के लिए है, HIV के लिए है, हेपेटाइटिस बी के लिए है और वायरसिला के लिए। अब देखिए ये जो कोरोना लाइक वायरस था इसको नाम दिया गया नोवेल कोरोना वायरस, जिसे शॉर्ट में NCV कहते हैं। और यह जो बीमारी तैयार हुई इसके लिए नाम दिया गया COVID-19, मतलब कोरोना वायरस डिसीज 2019 का कोरोना वायरस डिसीज़। यह नॉमिनक्लेचर इसलिए कि इसका पहले जो सार्स है MERS है इससे कन्फ्यूज़ ना हो, इसके लिए इसे इसका सेपरेट नाम दिया गया है। जैसे भी कोई जैसे साइक्लोन आता है तो साइक्लोन को भी रिकॉग्नाइज करने के लिए एक नाम दिया जाता है, कभी कभी 2 या 3 साइक्लोन एट ए टाइम आ जाते हैं तो उस समय कन्फ्यूजन ना हो इसलिए उसे नॉमिनक्लेचर करना ज़रूरी है। अब यह हो गया दिसंबर और जनवरी 2020 के बाद। फिर जनवरी और फरवरी में क्या हुआ, फिर इसका जो है इन्फ्लुएंसा बढ़ता गया, धीरे धीरे यह स्प्रेड होता गया, जैसे फिर चाइना से या साउथ कोरिया, जापान में पहुंचा, फिर एक क्रूज़ थी प्रिंसेस डायमंड क्रूज़ जो कि कहीं हांगकांग से जापान जा रही थी उसमें फिर उसके सब में ज़्यादा फिर फरवरी में इस क्रूज़ में उसके सब में ज़्यादा पेशेंट पाए गए चाइना के बाद, फिर साउथ कोरिया, इटली, फिर ईरान, जापान, ऐसे स्प्रेड हुआ। जहाँ तक इंडिया की बात है तो इंडिया में पहला पेशेंट जिसका जनवरी 30 को केरला में पाया गया, और केरला में और 30 जनवरी को WHO ने इसे डिक्लेयर किया पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। यहाँ से फिर जब WHO ने इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर किया तब से फिर सब देश अवेयर हो गए और फिर धीरे धीरे इसके पेशेंट ऑल ओवर वर्ल्ड दिखने लगे। फिर इसमें सब में बड़ा जो है
इंसिडेंस ऐसा हुआ कि 11 मार्च 2020 को WHO ने इसके पैंडेमिक डिक्लेयर किया, क्योंकि यह तब तक 11 मार्च 2020 तक यह 110 कंट्रीज़ में पहुंच चुका था और इसके पूरे धरती पर 1,18,000 से ज़्यादा केसेस पाए गए थे और करीबन 4,000 डेथ हो चुकी थी। फिर अब जैसे ही 11 मार्च 2020 को WHO ने इसे पैंडेमिक डिक्लेयर किया, तब इंडिया ने क्या किया कि उसी दिन इमीडिएटली अपने जो सब वीज़ाज है सस्पेंड कर दिए 1 मंथ के लिए, 15 मार्च से 15 अप्रैल तक के लिए। मतलब जो भी वीज़ा इन्होंने इंडिया ने डिक्लेयर किए थे, जो भी अमेरिकन टूरिस्ट इंडियन वीज़ा के अंदर 15 मार्च से 15 अप्रैल तक इंडिया में आ रहा होगा, उसे वहीं रोक दिया गया। और बाद में जो भी इंडियन जो ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया है, OCI कार्ड होल्डर है, उनके भी OCI कार्ड सस्पेंड कर दिए गए, यानी इंडिया कंसर्न हो गया। फिर इसके बाद में जब देखा गया कि इटली ईरान में इसमें बहुत ज़्यादा एपिडेमिक है, इटली में हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा अच्छी होने के बावजूद भी अभी उसमें सब इतनी फास्ट उसकी ये स्प्रेड हो रहा है और डेथ ज़्यादा हो रही है, तो फिर सब में मेन इंडिया ने क्या किया, 12 मार्च को इसमें एक इपिडेमिक डिसीजेस एक्ट ऑफ 1897 है, 1897 का एक एक्ट है, उसे एनेक्ट कर दिया, उसके कुछ प्रोविजन एनेक्ट कर दिया। इस एक्ट को एनेक्ट करने के क्या कारण क्या हो गए कि स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज जो है इनको एक स्पेशल पावर मिल गए कि इस सब डिसीज का स्प्रेड स्टॉप करने के लिए स्पेशल मेजर्स लेने के। ऐसे ये पावर्स किनको मिले, तो जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस एंड मेडिकल एजुकेशन है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर है, कलेक्टर है, फिर ये अपने पावर और किसी को डेलीगेट कर सकते हैं। जैसे कलेक्टर है, कलेक्टर अपनी पावर तहसीलदार को डेलीगेट कर सकता, तहसीलदार अपनी पावर तलाठी को डेलीगेट कर सकता, इस तरह से प्रोसीजर चलती रहती है। और ये एनेक्ट करना इसलिए ज़रूरी था कि कल चल के अगर कोई गए गवर्नमेंट ऑफिशियल अगर कोई स्पेशल मेजर लेता है, जैसे कि स्कूल बंद करो या कंपलसरी क्वारंटाइन हो, तो इस पर कोई लीगल एक्शन ना हो। फिर इसके अंडर गवर्नमेंट ने क्या किया कि जब गवर्नमेंट को ऐसा समझ में आया कि इस पर कोई ट्रीटमेंट तो अभी तक अवेलेबल है नहीं, और इसका स्प्रेड जो डेवलप्ड कंट्री है जहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है और जहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बहुत बढ़िया है, फिर भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़्यादा स्प्रेड हो चुका है और डेथ भी ज़्यादा है, तो इंडिया में तो ऑलरेडी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ सब भगवान भरोसे है और उसके बाद में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा करके गवर्नमेंट ने फिर पहले डिसीजन लिया स्कूल, थिएटर्स और जिम्स को शट डाउन करने का। फिर धीरे धीरे इन्होंने क्या करा, पब्लिक गैदरिंग जो है, जैसे कि फेयर्स है, वीकली मार्केट है, कोई कॉन्फ्रेंस है, फिर यह सब इनका सब प्रोहिबिशन करा। फिर जो भी पेशेंट है कि जो भी सस्पेक्टेड और डायग्नोस पेशेंट है, सस्पेक्टेड पेशेंट के कैटेगरी में किसे रखा गया कि जो अभी लास्ट 14 डेज में फॉरेन विजिट करके आया है और जो इस पेशेंट के कांटेक्ट में आया है या फिर जो डायग्नोस केस है, इसे क्वारंटाइन यानी 14 डेज अलग रखना। 14 डेज अलग इसलिए रखना कि इस बीमारी का, इस वायरस जो भी शरीर में जाने के बाद 2 से 14 दिन के अंदर इसके लक्षण दिख जाते हैं, अगर 14 दिन के अंदर लक्षण नहीं दिखे तो फिर उसे COVID-19 बीमारी नहीं है ऐसा कह सकते हैं, ऐसा अभी तक का स्टडी बता रहा है। बाद में नोटिफिकेशन, मतलब जो भी कोई बीमार पेशेंट है उसकी गवर्नमेंट को जानकारी देना, यह सब इन्होंने कंपलसरी कर दिया। बाद में क्या किया कि इस और गवर्नमेंट ने ये जो ऑर्डर दिए हुए, और ऑर्डर अगर फॉलो नहीं करे तो उसको IPC 1860 जो इंडियन पिनल कोड उसके सेक्शन 188 के अंडर पनिश कर सकते हैं या उस पर केस रजिस्टर कर सकते हैं। यह देखिए, ये सेक्शन 198 ये एक ऐसा ऑफेंस है कि जिसमें जिस जो इसलिए बनाया गया है कि जिसमें डिसोबीडियंस ऑफ द ऑर्डर गिवन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट ऑफिसर की, जिस जो जो सक्षम अधिकारी है उसने दिए हुए ऑर्डर को अनफॉलो करना। जैसे उसने कहा है कि तुम्हें 14 डेज क्वारंटाइन होना है तो क्वारंटाइन नहीं करना, स्कूल अगर क्लोज करने को कहा गया तो स्कूल क्लोज नहीं की और स्कूल कंटिन्यू रखें, तो उसको उसके लिए IPC इस सेक्शन के अंदर ऑफेंस रजिस्टर कर सकते हैं। ये एक कॉग्निजिबल ऑफेंस है, यानी मतलब इसमें FIR रजिस्टर होता है, बेलेबल है, यानी मतलब बेल इमीजिएट मिल जाती है, और एक कंपाउंडेबल ऑफेंस है, यानी बाद में कॉम्प्रोमाइज़ भी कर सकते हैं। और इसमें सज़ा का प्रावधान है, एटलीस्ट इम्प्रिजनमेंट, 6 मंथ तक इम्प्रिजनमेंट या फाइन 1,000 रुपये तक फाइन। ठीक है, ये बात की बात है, लेकिन ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। यानी अगर किसी ने कहा है आपको कि अभी आपको यह स्कूल में नहीं जाना है, कोई स्कूल में जा रहा है, या किसी को कहा है कि आपको अभी पब्लिक गैदरिंग नहीं करनी है, यानी आपके घर पे शादी है और आपको ये शादी में इतने 50 से ज़्यादा लोग नहीं बुलाने हैं, अगर उसने 50 से ज़्यादा लोग बुलाए तो फिर उस पर यह इस सेक्शन के अंडर ऑफेंस रजिस्टर हो सकता है। और इसका और एक मैंने देखो, टू पनिश फॉर स्प्रेडिंग रूमर्स, मतलब कैसे कि अगर कोई कोरोना के बारे में अफवाह फैला रहा है कि जैसे चिकन खाने से, अभी बीच में अफवाह फैला थी कि चिकन खाने से कोरोना हो रहा है, तो ऐसे इंसिडेंट्स में भी उसके अगेंस्ट यह ऑफेंस रजिस्टर हो सकता है। और यह जहां और
जब तक आज यानी 21 मार्च तक मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसके अभी तक 233 से ज़्यादा केसेस देखे गए हैं और इसमें 4 डेथ हो चुकी है इंडिया में। और अभी अभी तो गवर्नमेंट और ज़्यादा अलर्ट होकर अभी गवर्नमेंट धीरे 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 लॉकडाउन के तरफ बढ़ रही है। हाँ, अब ये हो गया अभी तक का क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी के बारे में अब देखिए, इसके ट्रीटमेंट के बारे में मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो ये जनरली वायरल डिसीजेज जो है, जो मैंने गिने चुने पहले जो ऊपर बताया जिनके लिए एंटीवायरल अवेलेबल है, बाकी कोई वायरल डिसीजेज के लिए ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे हेपेटाइटिस ए है, मिजल्स है यानी गोवर की बीमारी है, या डायरिया की बीमारी जो वायरल डायरिया होता है, रोटा वायरस डायरिया, मेरे पहले वीडियो में मैंने बताया हुआ है वायरल इलनेस के बारे में, जो आप देख सकते हैं। इसमें सब में मेन काम करती है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी अगर अच्छी रही तो कोई भी वायरस रहो, कोई भी बैक्टीरिया रहो, कोई भी रहो, उस वह कभी कभी बगैर ट्रीटमेंट के भी अच्छा हो जाता है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, यह एक अलग टॉपिक है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तब तक टेक केयर एंड बी हेल्दी। बाय।